मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है, ये वो शर्ट पीस है जो कि हमारे लेन देन में काम आते हैं और जिनसे कि शर्ट वगैरह नहीं बनाई जाती, तो उसी का यूज़ करते हुए मैं आज मैं ये बिग साइज़ का ट्रैवल बैग बना रही हूँ, तो उसी की वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये कपड़ा लिया है और मैंने इसमें रबर शीट अटैच करते हुए इसको इस तरह से क्वेल्टिंग वर्क करके कंप्लीट कर लिया है। 4 पॉकेट बनाई है और जो इसकी लेंथ और लंबाई और चौड़ाई है 20x40 है, 20 इसकी लंबाई है और 40 इसकी चौड़ाई है, और 4 पॉकेट तैयार की है 11x10 की। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें अपनी पॉकेट अटैच करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपना मतलब बीच का पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पर इस तरह से ये 2 पॉकेट हैं, तो ये दोनों पॉकेट हम दोनों साइड अटैच करेंगे। तो बीच का पॉइंट ले लिया है, तो 20 का आधा 10, 10 का यहाँ से निशान लगाते हुए 6 इंच की दूरी छोड़ते हुए हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर रखकर इसको अपनी पॉकेट को अटैच करेंगे और इसके 3 साइड हम सिलाई लगा लेंगे। इससे पहले हम पॉकेट को इस तरह से सिलाई लगा लेंगे ऊपर की साइड यहाँ पर। तो अब हमारी पॉकेट रेडी है और हम इसको इसमें अटैच कर देंगे और इसी तरह से इधर भी हम अटैच कर देंगे। ऊपर टॉप पॉइंट से 6 इंच की दूरी छोड़ते हुए हम अपनी पॉकेट को अटैच करेंगे। इसके बाद हम इस तरह से देखिए इसमें अपनी बेल्ट लगाएंगे। मैंने पिनअप कर लिया है और अब मैं इस बेल्ट को सिलाई लगा रही हूँ। बेल्ट लगाने से पहले हम अपनी जीपर भी अटैच कर लेंगे, तो मैंने एक साइड यहाँ पे जीपर भी अटैच कर दिया है और अब मैं ये बेल्ट भी लगा रही हूँ। तो बेल्ट पर इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ। पॉकेट के दोनों साइड रखते हुए हम इस तरह से देखिए सिलाई लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से, और एक साइड मैंने जीपर अटैच कर दिया है, पहले सीधी उल्टी साइड से फिर सीधी साइड से टॉप सिलाई लगाते हुए। तो हमने अपनी जीपर भी अटैच कर ली है, बेल्ट भी अटैच कर ली है और अब हम ये पॉकेट लेंगे। 4 पॉकेट बनाई थी जो हमने, उनमें से अभी 2 पॉकेट मैंने लगा दी है फ्रंट साइड पर और 2 साइड मैं साइड में लगाऊंगी। तो इसमें हम जीपर अटैच करेंगे। जीपर अटैच करने के लिए मैंने यहाँ से 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगाया है और इस तरह से देखिए निशान लगाकर मैं यहाँ पे कट लगा दूंगी और यहाँ से काटने के बाद मैं अपनी यहाँ पर जीपर अटैच करूँगी। तो जीपर लगाने का सेम प्रोसीजर वही है, पहले उल्टी साइड से रखते हुए सिलाई लगाइए और फिर इसको सीधी साइड से टॉप स्टिच लगा दीजिए। ये देखिए इस तरह से ये दोनों साइड में सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से मैंने बैग में भी जीपर लगा लिया है और पॉकेट में भी जीपर लगा दिया है। अब हम पॉकेट पर अपनी लाइनिंग रखते हुए इस तरह से पॉकेट का शेप दे देंगे। तो दोनों पॉकेट में हम इसी तरह से अपनी लाइनिंग अटैच कर देंगे और ये मैंने अंदर की साइड भी एक पॉकेट लगाई है। तो इस तरह से देखिए अब हम बीच का पॉइंट लेते हुए जितना हमारा है यानी कि 40 इंच है, 40 इंच का 20 इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से पॉकेट को भी बीच में से निशान लगाकर यहाँ पे दोनों साइड में इसे पिन से अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पहले इसे पिनअप कर लीजिए और ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से तीनों साइड पिनअप करके मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। तो हमारी पॉकेट इस तरह से लगा दूँगी। इस तरह से देखिए पिनअप मैंने कर दिया है और यहाँ से इस तरह से देखिए, तो 3 साइड मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अभी हमारी 1 साइड है, तो जब हम दूसरी जीपर अटैच कर देंगे फ्रंट साइड वाली टॉप वाली, तो उसको भी हम इसके साथ में यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो अब हमारी पॉकेट भी लग चुकी है। मैंने इधर की साइड भी मैंने देखिए जीपर अटैच कर दिया है। अब मैं इसे ओपन करती हूँ। जीपर अटैच करने के बाद भी हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। तो मैंने सिलाई लगा दी है और अब हम इसको सीधा करेंगे।
तो इस तरह से आप किसी भी कपड़े का इस्तेमाल करते हुए बैग को रेडी कर सकती हैं। तो ये एक मैंने सुंदर सा ट्रैवल बैग बनाया है जो कि बिग साइज़ का है और 5 पॉकेट है इसमें। तो आप इस तरह से छोटे साइज़ का बड़े साइज़ का बैग बना सकती हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो और तो एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।